अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बनो के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो आ चुका है जहाँ आप देखेंगे बिलाखिर सानिया की सारी बदगुमानियाँ दूर हो ही गई और वो बीना से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेती है। वो बीना से कहती है कि मम्मा ने हमेशा तुम्हारे साथ गलत सलूक किया, हमेशा तुम्हें दुत्कारा, मगर तुमने उनकी हर बात को मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर लिया। जवाब में बीना कहती है उन्होंने मुझे बड़ा किया, मेरी तरबियत की, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ। अब बीना तो अपनी चची के लिए इतने मोहब्बत भरे जज्बात रखती है, मगर चची ना जाने इस हाल में पहुँचने के बाद भी अक्का टूटने का नाम नहीं ले रही। आरफा बेगम मुसलसल अपना जहर उगले जा रही हैं। अब किस हाल में पहुंचकर आरफा बेगम का दिल पिघलेगा और उन्हें अपनी बदसलूकी का एहसास होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रमशा ने तो रिफत बेगम के 14 तबक रोशन कर डाले हैं। अब निहाल ने रमशा की वजह से अलग होने का फैसला किया तो रिफत बेगम को पता चला कि बीना क्या थी और रमशा क्या है। वह रमशा से आकर कहती तुम कान खोलकर सुन लो, मैं अपने बेटे को किसी भी सूरत खुद से अलग होने नहीं दूंगी। तभी रमशा ने याद दिलाया कि बीना की दफा निहाल ने कहा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। अगर रिफत बेगम रमशा को बहू बनाने की चाह में बीना को घर से ना निकालती तो आज उन्हें भी ये दिन ना देखना पड़ता। खैर आप तो रिफत बेगम रमशा का भांडा भी नहीं फोड़ सकती क्योंकि ऐसा करने से उनका अपना नुकसान होगा। और दूसरी तरफ देखना ये है क्या जाकिर के उकसाने पर रमशा उसके साथ भागने पर राजी हो जाएगी या फिर अमान वक्त से पहले इनकी सारी पोल खोल के रख देगा निहाल के सामने। दूसरी तरफ साजदा और खाला ने बीना को दूसरी शादी करने की सलाह दे दी है। क्या बीना दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगी? क्या बीना को इन सब हालातों के बाद शादी करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर हमें बताएं। मजीद बनों में क्या कुछ होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।